अब चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ। प्रातः काल से ही अयोध्या में लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आकर के अपनी आस्था वहां व्यक्त कर रहे हैं। इस दिवस पर भारत की आस्था को अपमानित करने वाला कांग्रेस के नेताओं का आचरण अत्यंत निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी कई दिनों से आंदोलन कर रही है, अपने सामान्य कपड़ों में कर रही थी। सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन 5 अगस्त की तिथि को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य के शुभारंभ दिवस के दिन, अयोध्या दिवस के दिन, माननीय उच्चतम न्यायालय के सम्मान दिवस के दिन राम भक्तों को अपमानित करने वाला कांग्रेस का यह आचरण एक बार फिर जग जाहिर हुआ है। आज कांग्रेसियों ने काले कपड़े पहन करके जो प्रदर्शन किया है, यह से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की तिथि के दिन यह राम भक्तों का अपमान है, अयोध्या दिवस का अपमान है, भारत के लोकतंत्र का अपमान है, भारत की न्यायपालिका के सम्मान का अपमान है। कांग्रेस के इस कृत्य की हम निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार का आचरण कर रही है, मुझे लगता है कोई भी भारत का आस्थावान व्यक्ति कांग्रेस के इस आचरण का समर्थन नहीं कर सकता है। यह राम भक्तों का अपमान है। कांग्रेस पार्टी को अपने इस कृत्य के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इस प्रकार के कृत्य को इस देश कतई स्वीकार नहीं कर सकता। कांग्रेस ने आज जो भी आचरण किया है, इसको कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं कर सकता है। योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला, जो प्रदर्शन हो रहा है महंगाई को लेकर और बेरोजगारी को लेकर, और उसी पर वो हमलावर दिखाई दिए। साथ ही अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन आज ही के दिन हुआ था, उस पर वो अपनी बात भी रख रहे हैं। साथ में कांग्रेस पर भी हमलावर सीएम योगी आदित्यनाथ है। कांग्रेस का आचरण राम भक्तों को अपमानित करने वाला है, योगी आदित्यनाथ ने कहा। कांग्रेस ने आज ही क्यों विरोध किया, आज के दिन का चुनाव क्यों हुआ, इस पर भी संदेह है। कांग्रेस के प्रदर्शन की निंदा करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने, ये कहा है। कांग्रेस को देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, सीएम योगी ने यह भी कहा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।